हेलो दोस्तों, आलिया ट्यूब में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है जेम्स जॉयसी का लिखा हुआ एरबी। तो एरबी एक शॉर्ट स्टोरी है, और जैसे हम लोग जानते हैं कि जेम्स जॉयस जो है उन्हें मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का मास्टर कहा जाता है। अब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस मतलब क्या होता है कि एक राइटर जब क्या होता है वो लिखते रहते हैं और सोचते रहते हैं, और जो वो सोचते रहते हैं वही वो लिख के जाते हैं। ठीक है, तो ये सोचना और लिखना एक ही साथ होके जब कुछ ख़त्म होता है राइटिंग, तो उसे हम लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कह सकते हैं। तो ये जो एरबी है ये भी एक तरह का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है, और ये एक शॉर्ट स्टोरी है। और इसका जो मेन कैरेक्टर्स है, ज़्यादा इसमें कैरेक्टर नहीं होता है क्योंकि जबकि ये शॉर्ट स्टोरी है, आपको जैसे कि हम ये राइटर कहा जाता है कि एक ऑटोबायोग्राफी है, तो राइटर जेम्स जॉयस जो है वो अपना मतलब बचपन का एक कहानी यहाँ पर दोहरा रहे हैं। और राइटर का मतलब जो कैरेक्टर है यहाँ पर आ बॉय, मतलब राइटर ने नाम मेंशन नहीं किया है। ठीक है, जो ये जो कहानी मतलब घूम रही है पूरा, ये एक लड़का को लेके, और उसका उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 साल का है। ठीक है, तो ये कहानी शुरू होता है कुछ इस तरह से कि राइटर जहाँ पर रहते थे एडमंड स्ट्रीट, वो जगह एकदम सुनसान सा है, ज़्यादा वहाँ पर घर भी नहीं है, और ज़्यादातर देखा जाते थे कि जो ये लड़का है मतलब 12-13 साल का एक लड़का, वो हमेशा खेलता रहता था, उसका अपना कोई है नहीं, वो अंकल और आंटी के साथ रहता था। ठीक है, वो दिन भर खेलता रहता था, गलियों में घूमता रहता था, गलियों में खेलता रहता था अपने के दोस्तों के साथ। ठीक है, और ज़्यादातर मैंने आपको कहा जो ये नुक्कड़ या फिर जो गली है मतलब जहाँ राइटर रहते थे उसका अगल बगल में, वहाँ पर ज़्यादातर मतलब साइलेंट रहता था, और ज़्यादा वहाँ पर मतलब ई भी नहीं होता था, मतलब कंजेस्टेड नहीं था ज़्यादा। और जो क्रिश्चियन बॉयज़ स्कूल है वो जब छुट्टी होता था तभी वहाँ पर गैदरिंग देखने को मिलता था, क्योंकि बच्चे लोग जब घर जाते थे तभी वहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग देखने को मिलता था। तो राइटर अपने अंकल और आंटी के साथ एक हाउस में रहता है, वो जो एक बड़ा मकान था उन लोगों का घर जो था, और बाकी सब घर जो था वो छोटा छोटा था। तो वो राइटर क्या करते थे, एक दिन अपने रूम में जाते, मतलब वहाँ जो जो घर में वो लोग आंटी राइटर जो अंकल और आंटी के साथ रहते हैं, वहाँ पहले प्रीस्ट रहा है कहते थे। ठीक है, एक प्रीस्ट रहता था मंदिर का, तो वो पहले रहता था, वो मर चुके हैं, और उनका जो रूम था वो प्रीस्ट का जो वो रूम बंद हुआ रहता था। तो राइटर ने एक दिन वो रूम में गया और जाके उसमें एक बदबू सा स्मेल आ रहा था, तो क्योंकि वो घर खुला हुआ नहीं रहता था, तो राइटर ने देखा कि वहाँ पर कुछ किताब है, और एक बहुत पुरानी किताब थी येलो कलर की, राइटर ने उसे उठाया। इस तरह से राइटर अपने मतलब बचपन की थोड़ी कहानी जो है उसे दोहराता है, और तब आता है वो लव स्टोरी जो है हम लोगों को मतलब सुनने को मिलता है। वो है राइटर जो था मतलब ये जो द बॉय था, वो उसका एक दोस्त था बगल वाला, वो मैंगन का नाम से जाना जाता है, मैंगन उसका दोस्त है, और मैंगन का एक सिस्टर था। ठीक है, उसका नाम हम लोगों को बताया नहीं गया है, मैंगन का सिस्टर, बस मैंगन सिस्टर। ठीक है, तो मैंगन के साथ वो खेलता रहता था, कभी कभी वो मैंगन सिस्टर जो है वो बुलाने आती थी मैंगन को, ठीक है, चाय के लिए या फिर वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो लड़का था वो उसे घूमता रहता था, देखता रहता था, मन ही मन में उसे बहुत वो चाहने लगा, और मतलब वो देखता रहता था, हमेशा फॉलो करता था उस लड़की को। ठीक है, मतलब हाइड एंड सीक वाली बात वहाँ पर चलती थी, और मन ही मन में लड़के ने उसको बहुत ज़्यादा मतलब थिंकिंग करने लगा उसके बारे में, उस लड़की के बारे में, जब भी वो उठते बैठते मतलब ऑल द वीक ऐसा ही उनका चल जाता था। ठीक है, जब वो मतलब वो लड़की स्कूल जाती थी तब उसका पीछे पीछे वो लड़का छुप छुप के उसे देखता रहता था, जब वो लड़की दरवाजे के सामने खड़ी होती थी लाइट्स में, जब उसका फिगर जो है जब शेडो बनता था वो भी वो लड़का छुप छुप के देखता रहता था। इस तरह से उसका अंदर उसके दिल में जो है उस लड़की के लिए एक घना मोहब्बत जो है वो बन गया था। ठीक है, तो अचानक एक दिन क्या हुआ, वो जो लड़की थी अचानक एक दिन मतलब जो लड़का था उससे मुलाकात हुआ, और उस लड़की ने
उस लड़के से कहा कि तुम्हें अरबी का बाजार पता है, अरबी जो इस मतलब स्टोरी का नाम है, तो अरबी एक बाजार का नाम है, ठीक है। तो जब उस लड़की ने कहा कि, तो लड़का तो मन ही मन में बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाया और कहा कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो लड़की ने कहा बहुत अच्छा बाजार है, एकदम लाइटनिंग बाजार, बहुत कुछ मिलता वहाँ, ठीक है, बहुत मतलब नामी दामी बाजार है, तुम जाना जरूर। तो लड़के ने भी खुश होकर कहा उस लड़की से, ठीक है अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाऊंगा। उसके बाद वो लड़का पूछता है कि ये कब होता है, तो कहा कि सैटरडे। तो लड़के ने लड़की से पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, बोला नहीं सैटरडे को मेरा स्कूल में एक प्रोग्राम है तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा बाजार में। तो लड़के ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। इस तरह वो लड़का सैटरडे का इंतज़ार करते रहा, मैं करता रहा कि कब सैटरडे आएगा, कब सैटरडे आएगा। वो कुछ भी काम करता था तो वो सैटरडे के बारे में ही सोचता था और अरबी के बाजार में बाजार के बारे में ही सोचता था, क्योंकि वो उस लड़की के बारे में भी सोच रहा है, जबकि वो लड़की अरबी बाजार को अच्छा कहा कही थी। तो लड़के के जहन में ये बात बैठ गया था कि शायद अरबी बाजार बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लड़की प्रेफर कर रही है उस बाजार को और मैं उस लड़की के लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा। तो वो सैटरडे के इंतज़ार में रहा और उसने जब सैटरडे आया तो अंकल उसका जो था वो इंतज़ार करता रहा सुबह से कि कब अंकल आएगा और मैं बाज़ार जाऊंगा अरबी बाज़ार। तो ऐसे करते करते शाम हो गया और रात को 9 बजने को थी, तब उसका अंकल, वो एकदम ड्रंकन था, मतलब दारू पी के एकदम धुत होके घर आया। तो उस लड़के ने पूछा कि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है मैं बाजार जाने वाला हूँ। तो उसका अंकल ने पैसा दिया, लेकिन तब तक बहुत रात हो चुका था और ये एकदम मतलब लेट नाइट जो कहते थे उसे, वो लास्ट ट्रेन में वो लड़का अरबी बाजार तक पहुँचा, ठीक है एकदम लास्ट ट्रेन में। जब वो अरबी मतलब वो कोई एक परमानेंट स्टेशन नहीं था, वो टेम्पररी स्टेशन था, ठीक है, एक का मतलब काठ का बनाया हुआ एक स्टेशन प्लेटफॉर्म सा था, और दूर से उसने उस शॉप को देखा जो मतलब अरबी लिखा हुआ था। तो लड़का वहाँ पर उतरा, तब तक 10 बज चुका था और ज़्यादा से ज़्यादा शॉप जो था वो बंद हो चुका था, ठीक है। तो उस लड़के ने अंदर मतलब बाज़ार के अंदर गया और उसने देखा कि ज़्यादातर जो शॉप था वो बंद हो चुका था और दो एक शॉप था वो खुला हुआ है डिम लाइट की तरह, जो जो उसने जैसा सोचा था कि बहुत रोशनदान होगा, मगर कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दुकान बंद था तो दो एक दुकान था वो खुला हुआ था। तो लड़का थोड़ा अंदर गया तो एक गुलदान का दुकान उसको दिखा, वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी और दो लड़का मतलब दो आदमी थे जो उस मतलब औरत या फिर लड़की से बात कर रहे थे वो दोनों, और दोनों में आर्गुमेंट चल रहा था। लड़की कह रही थी कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, और लड़का कह रहा था कि हाँ आपने ऐसा कहा। तो कुछ चीज़ को लेकर बहस चल रहा था, वो लड़का तमाशा देखता रहा और वो जो सोच रहा था अरबी के बारे में, वो उसको लगा कि ये पूरा गलत है, मैंने जो सोचा था, उस लड़की ने जो कहा था मुझे कही थी कि अरबी ये होगा, उसका जो पूरा सपना था शायद जैसे कि वहीं पर टूट गया, ठीक है। फिर वो जो औरत थी गुलदान की दुकान से, वो थोड़ा आगे उस लड़के के पास आया और पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें। बस लड़का एकदम चुप रहा और वो औरत जो थी वो चली गई वहाँ से। कुछ देर बाद पूरा मार्केट का जो था एकदम अंधेरा हो गया, लाइट चली गई और पीछे से एक आवाज़ आया कि लाइट चली गई। तो वो लड़का एकदम साइलेंट होके वहीं पर खड़ा रहा, उसका पॉकेट में जो पैसा लेके वो गया था बाजार, वो पैसा गिरने की आवाज़ आती है। बस यहीं पर वो कहानी ख़त्म हो जाती है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि ये मतलब ख़त्म हो गया सर, इसका मोरल क्या है? ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, मतलब राइटर आप जब तक ये सुन रहे थे, मतलब जब तक ये लिखा गया है तब तक आप देखो सुन रहे थे तो आप एकदम कंसंट्रेट होकर सुन रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। इसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है कि जब तक आप लोगों ने ये स्टोरी सुना तब तक आप एकदम कॉन्शियसली एकदम सुनते रहे, ठीक है। तो यहीं पर ये जो है अरबी ये ख़त्म होती है, ठीक है। और